सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ डिफरेंट। हमारी वीडियोस ऐसी होती नहीं है डेली, लेकिन आज मैंने ये मंगवाया अपना एक अमेज़ॉन पे से पार्सल। सो इसको पहले ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बहुत अमेजिंग पैकेज है इसका। इधर कुछ लिखा हुआ है, किसी का फेस भी बना हुआ है, नेल कटर। तो सबसे पहला जो पैकेज है वो है प्लिक्स का। ये किसी इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है इस प्लिक्स के प्रोडक्ट का, तो ये मैं दिखाऊंगा नहीं। पर मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। और सेकंड प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है वन बाय वायकॉम जो भी है। सो ये मंगाया मैंने। मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा प्रीमियम सा लग रहा है। इसके डिज़ाइन भी अच्छा है, पेन भी साथ में इसके। देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो हेलो एवरीवन, वापस एक बार चलते हैं, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और यहाँ से इसको निकालते हैं। देख लीजिए कितना सही लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा है। और साथ में इसके आया है हमारे पास ये पूरा गाइड कि क्या क्या करना है। और मैंने देखा भी है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो करेंगे यूज़, आज ही करेंगे, आज ही दिखाएंगे। इसके साथ ये इसे कनेक्ट करने के लिए है, और साथ में ये जो तीन पेन हैं, ये जो तीन पेन, ये पेन की निब है तीन। और साथ में ये पता नहीं गोल गोल सब क्या है, कुछ होगा शायद कुछ काम करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ इस पर चलते हैं। सो अभी तो इसमें लगा हुआ है, देख सकते हो इसमें तो अभी लगा हुआ है, लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये बाकी के तीन काम आती हैं। देखो देखो पीछे से डिज़ाइन तो अच्छा है। सो काफ़ी बड़ा है ये, A4 साइज़ जो पेज होता है उससे थोड़ा सा छोटा है। यहाँ जोड़ देते हैं, और यहाँ पर एक लाइट जल चुकी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों ये चीज़ लिया है। सो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैसे मुझे बहुत दिक्कत आएगी यहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए नेशनल अफेयर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अभी मुझे आता नहीं अच्छी तरह से काम करना इस पर, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। सो अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे कि अब मेरे को क्या होता है कि जब भी मैं कोई PDF लेके आता हूँ, जैसे मैं कोई PDF पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे उसमें से काफ़ी सारा कंटेंट जो होता है वो याद करने में बहुत तकलीफ़ आती है, मुझसे होता नहीं है। जितने भी मैंने मॉक्स दिए और जितने भी मैंने मेंस के पेपर दिए, उससे पहले जब भी मुझे GK की तैयारी करनी पड़ती थी तो मैं प्रिंट करा के लाता था स्टफ़, और वो बहुत ज़्यादा कम से कम 500 या 600 का पड़ जाता था मेरे को प्रिंट कराने में, और वो भी 2 महीने का। अगर मान लो 4 महीने या 6 महीने तक की सामान है तो वो प्रिंट कराने में बहुत टाइम लगता है, और मुझसे वैसे पढ़ा नहीं जाता। मैं हमेशा पेन रख के चीज़ों को पढ़ सकता हूँ, और काफ़ी लोगों की होती है ऐसी आदत। सो मेरी जैसी आदत तो काफ़ी लोगों की है, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला हूँ। तो ये इस वजह से मैंने ये स्टफ़ लिया। और क्या होता है कि इससे आप मॉक टेस्ट देते टाइम वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, तो वो लोगों को दिखता है कि हाँ भाई आपने क्या क्या कैलकुलेशन किया, लोग आपसे सीख सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो। सो अगर जैसे मेरे को ये पढ़ना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड EIL देखते हैं कि क्या लिखा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये 4 फरवरी का है। टू डेवलप वेस्ट टू वेल्थ प्लान इन सिटीज़ विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन, ऐसी जितनी भी सिटीज़ हैं उन पे जिनमें मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिन पे मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस इंजीनियरिंग ये लिखा हुआ है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड टू डेवलप वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोमेथनेशन प्रोजेक्ट इन सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ मिलियन प्लस जो भी है। और ये ग्रीन ग्रोथ एजेंडा का पार्ट है, ये MOU जो साइन किया गया है ग्रीन ग्रोथ एजेंडा के लिए किया गया है। अब ऐसे में क्या होगा कि मेरे लिए ईजी हो जाएगा इस तरह से याद करना, और मैं लिख के मतलब ऐसे टिप पे अपनी पेन अपनी आराम से काम करते करते याद कर सकता हूँ। बाकी सिग्नेचरीज तो याद ही नहीं है,
वैसे पूछता नहीं है, बस इतना पूछ लेता है कि मिशन डायरेक्ट MOHUA के कौन कौन वो है, क्या बोलते हैं मिनिस्टर कौन है, साथ में कौन आ सकता है, EIL से कुछ पूछ सकता है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्या है, वर्तिका शुक्ला ये पूछ सकता है, फीचर्स ऑफ MOU, तो इसमें ये जो कॉस्ट वाली जो चीज़ आती है, फर्स्ट फेज में क्या होगा, सेकंड फेज में क्या होगा, और प्रोजेक्ट में ये सेकंड चीज़ आ सकती है, ये कम आता है, और ठीक है ये इतना कुछ नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो ये चीज़ें पूछ सकता है, साथ में बैकग्राउंड के बारे में, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मतलब आप अगर प्रिंट करवाने जाओ तो कितने पन्ने होते हैं और कितना कॉस्टली होता है, तो इस वजह से मैंने ये मंगवा लिया, तो अब मुझे ये हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, और साथ में मान लो कि अगर इन फ्यूचर में कभी सोचता हूँ कि मेरे को पढ़ाना है कुछ या फिर ऑनलाइन कुछ भी करना है तो फिर मेरे हमेशा काम में रहेगा, और नहीं तो मैं बाद में किसी को अपने फैमिली में किसी को दे दूंगा जब मेरा बैंक वैंक का जॉब हो जाएगा, और उसके अलावा मेरे को कभी पढ़ना नहीं हुआ तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बाई की है, तो ये मेरा मेन मोटो था इस चीज़ को लेने का। सो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।